बैगुन का खेती बहुवर्षीय खेती है, इसको हमने कैसे 10 एक बार हमने लगाया और इसको 10 साल तक हमने इसको लगाना नहीं पड़ता है, इसका कारण भी मैं आज आपको बताऊंगा। ये खेती से कितना फायदा होता है ये भी मैं आज आपको बताऊंगा। ये खेती क्यों लगाना पड़ता है मैं भी ये भी मैं बताऊंगा। इसका मौसम, इसका प्रक्रिया, इसका प्रकृति क्या है, इस विषय में मैं चर्चा करूंगा। लॉजिकल एग्रो ज्ञान को आप पहले सब्सक्राइब कीजिए। हम इसको वैशाख और जेठ महीना में इसको लगाते हैं और ये इसने फल देता है हमको श्रावण भाद्र महीना से इसने हमको फल देता है। और आपने इसको बहु वर्ष से फलाने के लिए इसको काट छांट करना पड़ता है, जब ये ठंडी समय आके इसको जाता है और उसके बाद में आपने इसको कटिंग करने के टाइम में इसको 1 फीट के ऊपर से आपने इसको जगह जगह से इसको कटर से इसको यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से और जगह जगह से इसको आपने कटिंग कर देंगे और उसमें बहुत सारा पालुआ पला के फिर ये फलेगा और 10 वर्ष के अंदर तक इससे हम फल प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ये बहुवर्षीय खेती है और इससे हमको बहुत फायदा भी होता है, आपको ये जानकारी होना चाहिए दर्शकों। और दूसरी बात, इसमें हमने एक हफ्ता में हमने 1 बोर से 5 केजी हमने इसमें उत्पादन ले सकते हैं और उसके लिए आपने इसको मल देना पड़ेगा महीना को 1 बार, 15 दिन को 1 बार। इसमें आपने कोई भी विधि से इसको घेरा काट के हो सकता है, सिंचाई से हो सकता है, थोपे सिंचाई से हो सकता है, कोई भी मल का प्रक्रिया से आपने इसको मल देना चाहिए, खाद देना चाहिए। खाद देने के बाद में ये बार बार फलेगा, इसके मिट्टी में खाद खत्म होगा, समाप्त होगा तो अभी ये नहीं फलेगा। इसलिए आपने जितना इसमें मल को डालते हैं मिट्टी में उतना ही आपको फल प्राप्त होता है। और बैगुन में जो ऐसा पहाड़ी क्षेत्र है, ऐसा पहाड़ी क्षेत्र में ऐसा बैगुन खेती में रोग नहीं लगता है, तराई क्षेत्र में इसको वायरस लगता है और पुतला लगता है और इसको छेड़ुआ भी लगता है। यहाँ में जो ये फल है मैं इसको जूम करूँगा और इसको फोकस करूँगा और इसमें जो कीट पतंग लगता है और इसमें नहीं है और इसको फल के अंदर जाके इसको खा देता है और ऐसा समस्या आता है। इसके लिए हमने घर में हमने जो विषादी भी बना सकते हैं, ऑर्गेनिक विषादी भी बना सकते हैं, खीरो सिसनू पाती और बहुत सारा ऐसा मिला के और लहसुन मिला के बना सकते हैं। और हमारे पास वो नहीं है, हम बहुत सारा व्यवसाय कर रहे हैं तो हमने इसमें छिटाव करना चाहिए, जो कीट का मारने का विषादी है उसको हम छिटा करना चाहिए और ऐसे करके हमने इसको रक्षा कर सकते हैं। ये खेती से जब भाग आएगा तो आदमी बहुत धनी हो सकता है। और आपने ये खेती लगा रहे हैं तो आपने खाद उचित प्रयोग कीजिए और इसको काट छाँट आपने करिए और समय समय में जो चीज़ का भी 3G कटिंग होता है, लौका करेली जो चीज़ है उसका भी सभी का 3G कटिंग होता है और इसका भी होता है। जब इसमें बहुत अच्छा फलेगा तो हमने ऐसे करके लकड़ी और रस्सी का मदद से इसको हमने इसको सेफ करना पड़ेगा और सेफ करना पड़ता है और हमने इसको सेफ नहीं करेंगे तो यहाँ का जो फल फलता है और इससे इसका भार से ये ढल सकता है, ये अच्छी तरह का नहीं हो सकता है, इसलिए हमने इसको ये विचार करना पड़ेगा। और आपका पास जो इसको अच्छा बनाना चाहिए तो हमने यहाँ से कटिंग कर देंगे तो यहाँ का जो और पौधा है इसमें बहुत अच्छा फलता है और यहाँ से अच्छा फलता है और उसके बाद फिर हम कटिंग करेंगे तो यहाँ बहुत शाखा यहाँ का निकाल के बहुत अच्छा अच्छा फल देता है। ये बड़े बड़े होके जाते हैं तो इसके जो 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 यहाँ से फलते हैं उतना अच्छा नहीं होता है। जो ये बोर्ड का जितना समीप से फल आता है उसमें बहुत अच्छा फल प्राप्त होता है, इसलिए हम कटिंग कर देंगे और इसका जो भाले है, स्त्री फूल है और इसको हम छाँट काट कर देंगे तो इसमें बहुत सारा हमको आमदनी होता है। और मैंने आज आपको ये भेंटा खेती के विषय में थोड़ा सा चर्चा की है और आज मैं इतना ही चर्चा करूँगा और आपने हमारा लॉजिकल एग्रो ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सारा मैं ऐसा बहुत सारा खेती के विषय में चर्चा करूँगा, ज्ञान दूंगा और आपने ये वीडियो अंतिम तक देख लिया, आपको बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद।